तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस जेट, हेलो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी दिख रहा तो अब देखो, अब आपको एपीआई, सॉरी, एक फंक्शन बनाने के लिए एक लैम्डा, मतलब कि जो एडब्ल्यूएस हम एक्सपोज करता है लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस में हम क्या करते हैं, अपने फंक्शंस लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट करते हैं, और वो उसको एपीआई के थ्रू हम इंटीग्रेट कर देते हैं, और वो एपीआई का यूआरएल हम एक्सपोज करते हैं, जो कि ऐप यूज करके उसको बाकी कामों करता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है पहले इसमें, कि मान लो कि मैंने एक लैम्डा फंक्शन, इसमें जो रूल, जो चीजें हमारे काम में आती हैं, वो पहले आती हैं लैम्डा फंक्शंस में, कि हम यहाँ पे जाओगे आप इन द कंसोल में, यहाँ पे जाके आप लैम्डा लिखोगे सिर्फ लैम्डा, तो यहाँ पे आपको लैम्डा फंक्शन मिल जाएगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं लैम्डा फंक्शन का पूरा कोड यहाँ पे एक क्रिएट फंक्शन करके यहाँ पे लिखूं, या फिर मैं, मेरे पास एक सैम होता है जो कि आप अपने लोकल सिस्टम पे इंटीग्रेट कर सकते हो और वहां से आप कोडिंग कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कैसे कर सकते हैं, सैम का एक्सेस बाद में दिखाएंगे, ठीक है? तो मैं एक बार हेल्प पे खोल लेता हूँ अपना। आप नाम तो दे सकते हो, मैंने एक टेस्ट ओटीपी लैम्डा नाम दे दिया। अब इसको रन टाइम, मतलब कि आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देने बात है कि यहाँ पे दो चीजें हैं, स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हो, ब्लूप्रिंट भी यूज कर सकते हो, इमेज इमेज भी यूज कर सकते हो। और तो स्क्रैच से मतलब कि आप खुद से सारा कुछ कोडिंग करोगे, उसमें कोई भी टेम्पलेट नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। यहाँ पे आप अगर आप ब्लूप्रिंट पे यूज क्लिक करते हो तो आपको को अलग अलग टेम्पलेट मिल सकता है, कि मान लो आप किसी स्पेसिफिक चीज पे वर्क कर रहे हो तो उसका आप टेम्पलेट यूज कर लो। यहाँ से कुछ टेम्पलेट एग्जाम्पल दे रखे हैं और बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इमेज ये होता है कि आप, जैसे कि मैंने कोई सर्वर सेटअप किया तो उसका एक, इसका क्या क्या उसके कॉन्फ़िगरेशन हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज आपने इंस्टॉल किया, सबकी एक ब्लूप्रिंट फाइल बन जाती है, इमेज बन जाती है। और उस इमेज को आप इसको यहाँ पे, आप अगर चाहो तो यहाँ पे उस इमेज का नाम दे दो कि मुझे ये इमेज यूज करना है, तो उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा उसको कॉपी कर लेगा उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को, और उसका एक नया आप जहां भी स्टोर करना चाहो तो वहां पे उसी चीज को वो एज इट इज, जो चीज आपके पहले सर्वर में थी या फिर जो भी चीज थी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन थे, सारे के सारे आप उठ के इस जहां पे ये इमेज बनेगा उसका, वहां पे ये उसको यूज कर लेगा। और फिर ये ब्राउज सर्वरलेस ऐप रिपोजिटरी, यहाँ पे कोई आपका कोई से गिटहब रिपोजिटरी होता है, या फिर गिटबिट बकेट है ऐसा कोई रिपोजिटरी, या फिर AWS का कोई रिपोजिटरी आपका स्क्रीन पड़ा हुआ है, तो उसका आप रेफरेंस देके आप उसको फिर वहां से यूज कर सकते हो, या फिर आपने अपना कोई बना रखा हो टेम्पलेट, उसको आपने पॉकेट में डाल रखा हो और उसको फिर यूज करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से एक पास देके आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्क्रैच वाला काम करूंगा अभी। आप यहाँ पे रन टाइम में, यानी कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, आप पैथन यूज करना चाहते हो या फिर जो भी लैंग्वेज .NET यूज करना चाहते हो, गो, ये सब अलग अलग आपको मिलते हैं, तो आप जिसको भी यूज करना चाहते हो उसको सपोर्ट, उसको यूज करके उस पे, जिस पे आप एक्सपर्टीज आपको उस पे कोडिंग करना चाहते हो तो वो आप यूज कर लो वहाँ पे। मैं यहाँ पे नोट JS यूज कर रहा हूँ, और फिर आर्किटेक्चर में लिया ये रखते हैं, इट इज 32 bit या 64 bit, दोनों से कोई बिट चलेगा, और फिर इसको हम क्रिएट फंक्शन पे क्रिएट कर दी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप इसको क्रिएट करोगे, अब इसमें चीज आती है आई एम रोल की। अब आई एम रोल क्या होता है पहले वो, ये लैम्डा मैं इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, बताता हूँ कि आई एम रोल क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि AWS जो है आपको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है, इसका मीन्स कि आपको S3 बकेट देता है बहुत सारे सर्विसेज में। S3 बकेट क्या है कि जहाँ पे आप एज ए, जैसे कि आपको बहुत सारी इमेजेस आपको रखनी है, या फिर आपको कोई फाइल्स रखनी बहुत सारी, तो उन सब फाइल्स को आप क्या करते हो कि S3 बकेट में रखते हो, ठीक है, S3 बकेट रखते हो। और
और भी जो डेटाबेस रखते हो आपको, तो इन सबको क्या होता है कि हर एक का एक अलग अलग एक्सेस होता है कि इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि पब्लिकली सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए जो AWS से आपको देता है एक IAM रोल, IAM में आपको एक रोल क्रिएट करना होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि लिमिटेड एक्सेस देते हो किसी को, जैसे कि आपने कोई सिस्टम देखा होगा, बहुत सारे सिस्टम ऐसा होता है कि यूजर एक्सेस मैनेजमेंट होता है कि कौन सा यूजर किस चीज को यूज कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक यूजर के लिए कुछ एक रोल हम क्या करते हैं, प्रीडिफाइंड 5-6 रूल बना कर रख देते हैं और उस रूल से वो रूल चूज करता है कि रोल चूज करता है कि ये जो एडमिन है इसको सब कुछ मिलेगा देखने को। एडमिन के बाद मान लो कि आपका Level 1 कोई यूजर है, Level 1 एडमिन है, उसको क्या मिलेगा कि उसको डिलीट करने के राइट्स नहीं होंगे। इस तरह आप अलग अलग एक्सेस लेवल आप सबको डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे IAM रोल में भी वही होता है कि आप IAM रोल में यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज हैं AWS के पास, आप एक रोल बना देते हो और उस रोल में बोल देते हो कि इस ये जो रोल है इसको सिर्फ ये राइट्स हैं यूज करने को, मतलब कि। तो जैसे मैं लैम्डा फंक्शन अभी बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस लैम्डा फंक्शन को क्या क्या राइट्स चाहिए, ये जो फंक्शन क्रिएट होगा ये AWS से कौन कौन से सर्विसेज को यूज कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि IAM रोल क्रिएट करते हैं। तो ये IAM रोल यहाँ पे अगर आपने क्रिएट न्यू कर दिया तो ये खुद ब खुद अपना एक IAM रोल क्रिएट कर लेगा अपना, जिसमें कि लैम्डा की परमिशंस होंगे। लैम्डा की परमिशंस मतलब कि वो लैम्डा को क्रिएट कर सकता है और लैम्डा को डिलीट कर सकता है, या लैम्डा के और भी जो वॉच कोई भी एरर आई तो उसका वॉच लॉग में क्लाउड वॉच में जाके लॉग कर सकता है, वहां देख सकता है। तो ये सब फंक्शंस आप अगर इसको करते हो तो वो खुद से बना के आपको दे देगा, या फिर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास, मैंने पहले से रोल बना के रखा हुआ है, मैं उस रोल को यूज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि एक ये है चैलेंजर OTP वैलिडेट करके जाए, या फिर मैं तरह से बना हुआ रोल है, मैं ये भी दिखा देता हूँ क्या है ये। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो रोल है इसको दो परमिशन है, पहला कि लैम्डा के बेसिक एजुकेशन रोल है इसको, इसमें कि लैम्डा क्रिएट कर सकता है, लैम्डा डिलीट कर सकता है, या और भी 3-4 होंगे वो सभी को यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे इसके मिलते हैं क्या क्या वो कर सकता है, कौन कौन से को एक्सेस कर सकता है, रिसोर्सेज कौन कौन से को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मैंने दिया हुआ है कि वो OTP जनरेट कर सकता है, OTP वैलिडेट कर सकता है, इन दोनों को, इस लैम्डा को इसको ये एक्सेस है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने लैम्डा दे दिया, फिर दूसरा मैंने दे दिया कि इसको ये कि चैलेंजर DB पॉलिसी मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, और AWS हमें नॉन रिलेशनल डेटाबेस में DynamoDB देता है, ताकि यानी कि आपको अब डेटाबेस की कोई भी अपने पास आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा DynamoDB को यूज करो जी, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा हल्का चलो, यहाँ पर लोगों के सर के ऊपर चीजें जा रही है। ठीक है। तो मतलब कि ये मैंने यहाँ पे DynamoDB का यहाँ पे एक पॉलिसी डाल दिया है, ये परमिशंस देती हैं उसको, तो ये रोल मैंने इसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है जिसके मैंने कुछ रोल्स और रोल्स जो परमिशंस मैंने दिए थे
वो यहाँ पे दिखते हैं, आप उसको यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, जो भी इसमें अपडेट करना हो वो यहाँ पे जाके कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कोडिंग का पार्ट ये है, तो यहाँ पे आप कोडिंग भी कर सकते हो। ऐसे कि अगर मैं इसको चलाना चाहूँ तो अभी भी ये भी चलेगा, इसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जाके कॉन्फ़िगर टेस्ट करो, ये जो मुझे एग्जांपल दिया इसने, टेस्ट किया मैंने, और ये ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं तो आप पास कर दो। यहाँ पे क्रिएट किया मैंने इसको, अगर मैं टेस्ट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड मुझे भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ओटीपी का कुछ कोड मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं AWS SDK को एक्सपोज करके और कौन से रीज़न में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा रीज़न आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप US-2 रीज़न यूज़ कर रहे हो तो उस रीज़न को आपको बता दूँ। और फिर मैंने एक फंक्शन बना लिया सिंपल सा, जो फंक्शन मेरा करता क्या है, रैंडम डिजिट कोई भी डालोगे आप एक नंबर दे दो कि मुझे 5 नंबर का, 6 नंबर का या 7 नंबर का मुझे OTP चाहिए, तो उसके हिसाब से वो कोई भी एक रैंडम नंबर आपको उठा के ये दे देगा। और उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो आप ये जो है आपका ये मेन फंक्शन होता है जो आपका यहाँ पे आप क्या करते हो कि जब भी आप API या कोई कॉल करेगा तो इसी फंक्शन को कॉल करता है। तो यहाँ पे आप अलग अलग मेथड लिख सकते हो, इसके अंदर आप पूरा कोड लिख सकते हो या फिर अलग अलग में डिवाइड करके उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको मिलेगा इवेंट एक, और इवेंट के अंदर आप जो भी पैरामीटर्स जो मैंने बताया था वहाँ पे आप डालते हो, जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर मैंने किया था, तो यहाँ पे key 1, key 2, key 3 जो वैल्यूज हैं वो आप डिफाइन कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे फोन लिया, मैसेज लिया, डिजिट लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने फोन डाल दिया, यहाँ पे मैसेज डाल दिया और यहाँ पे डिजिट्स, फोन नंबर मैं जो भी चाहूँ डाल दूँ, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ बिट, मैसेज में टेस्ट मैसेज, सेव कर देता हूँ। अब जाते हैं यहाँ पे, उसमें कोड दिखाया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो भी फोन मैसेज या डिजिट्स जो मुझे मिले उसको मैं अपने पास होल्ड करके, फिर मैं आपको डेटाबेस में सर्च मारता हूँ कि जो भी OTP इस नंबर पहले OTP गई है नहीं गई है, और हर एक OTP का एक टाइम लिमिट होता है कि 3 मिनट तक OTP रहेगी, उसके बाद फिर वो OTP एक्सपायर हो जाएगी, तो वो एक्सपायरी डेट चेक कर लेता है यहाँ पे कोड मेरे, और एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद अगर वो तीन मिनट नहीं हुए हैं तो फिर क्या करेगा कि उसी OTP को वो दोबारा डेटाबेस से निकाल के भेज देगा, या फिर नहीं अगर ऐसा तीन मिनट ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, एक न्यू नंबर जनरेट करेगा और OTP आपको SNS के थ्रू, SNS क्या होता है कि सिंपल नोटिफिकेशन सिस्टम है जो कि एड्रेस प्रोवाइड करता है, जहाँ से कि आप मैसेज मोबाइल मैसेज कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो, तो ये फंक्शनलिटी आप यूज करके आप यहाँ से OTP, मैं क्या करता हूँ जो भी फोन नंबर मैंने प्रोवाइड कराया उस फोन नंबर पर ये OTP पहुँच जाएगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसके बाद इस OTP को जनरेट करने भेजने के पास यूजर को
मैं उसको अपने डेटाबेस में एंट्री करता हूँ कि ये यूजर को ये ओटीपी जा चुका है, और उसके टाइम सेट करता हूँ कि ये अभी से लेके 3 मिनट तक ये वैलिड रहेगा। इसको करने के बाद बस ये फंक्शनलिटी मेरी कंप्लीट हो गई। तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये आपके पास ओटीपी भेज देगा, ठीक है। अगर मैं इसको टेस्ट ट्राई करूं तो ये यहाँ पे आपको आपके चेंजेस तब तक अपडेट नहीं होते हैं जो मैंने की, जब तक आपको डिप्लॉय नहीं करते हो। तो मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा तो ये ओटीपी का आपको यहाँ पे जो भी ओटीपी मेरे पास पहुंच जाएगी, ठीक है। पर अभी चूंकि लिमिटेशंस नहीं है तो शायद ओटीपी भी नहीं आए, वो देख लेंगे। मगर ये यही कोड मेरा काम करेगा ओटीपी भेजने के लिए। अब इसको एपीआई के थ्रू एक्सपोज कैसे करें, वो सिंपल सा यहाँ पे कि आप एक यहाँ पे ट्रिगर जाओगे, ट्रिगर में आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, कौन सा ट्रिगर कहना चाहते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कि यहाँ पे एपीआई गेटवे मुझे बनाना है। एपीआई गेटवे पे जाओगे, फिर आप लिखोगे कि कौन से, या आप एग्जिस्टिंग यूज करना चाहते हो या कोई नया एपीआई क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने एक नया ओटीपी सॉरी एपीआई क्रिएट किया। तो मुझे पूछा कि कौन सा टाइप चाहिए, तो मैं रेस्ट एपीआई यूज कर लिया। और फिर सिक्योरिटी में ये आप उसको कैसे करते, कोई एपीआई की के थ्रू करना चाहते हो ओपन, या फिर आई एम रोल को ही कुछ एक्सेस होगा इसकी। तो मैं इसको ओपन कर दिया, कोई भी जिसके पास से यूआरएल हो उसको एक्सेस कर सके। और ये हो गया, मैं इसको ऐड करता हूँ। तो ये मुझे एपीआई एंड पॉइंट दे दिया। अब मैं इसको, इस एपीआई को हमें डिप्लॉय भी करना होगा। तो यहाँ जो एपीआई क्रिएट हुआ इस पे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे एपीआई के पास। यहाँ पे मेथड कौन सा मेथड करना चाहते हो, तो चूंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज ले रहे हैं यूजर से, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इसको मैंने हम मेथड यहाँ करते हैं क्रिएट मेथड डाल देंगे, और इस क्रिएट मेथड में हमने क्लिक किया। यहाँ पे अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो पोस्ट मेथड चूज करेंगे हम। पोस्ट में हम बॉडी भेज सकते हैं डेटा का, जो भी भेजना चाहते हैं वहाँ पे। लैम्डा फंक्शंस, रीजन आपका ऑटो सिलेक्टेड आएगा, और जो भी लैम्डा फंक्शंस आपने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आप टाइप करो, मिल जाएगा आपको। ये मैंने ये वाला क्रिएट किया है, तो ये मिल गया, और मैं इसको सेव कर दिया मैंने। ओके, तो ये आपका एक या आप यहाँ से क्या करोगे, इसको डिप्लॉय कर दोगे एपीआई को। स्टेज आप कुछ नया भी कर सकते हो, या डिफॉल्ट दे दो, चाहे प्रोडक्शन स्टेजिंग क्यूए जो भी देना चाहते हो यहाँ पे, और इसको डिप्लॉय कर दो आप। डिप्लॉय होने के बाद अब आपको जो एपीआई मिली है, ये एपीआई का यूआरएल है, ठीक है। इसको अगर मैं कॉपी करूं और पोस्टमैन के थ्रू एक मारूं, बस जो मैंने कॉपी किया था उसको आप पेस्ट मार दिया, और यहाँ पे बॉडी टाइप चूज की, यहाँ पे रॉ और यहाँ पे जेसन, और ये वैल्यू मैं डाली थी यहाँ पे, ये भेज दूंगा इसको और सेंड कर दूंगा मैं इसको। तो मुझे रिस्पांस ओके आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे एक कॉल जा चुकी है इस एपीआई के पास, और ये एपीआई ने क्या किया कि इसके अगेंस्ट कोई एंट्री कर दी है। अगर हम इसको वैलिडेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ओटीपी तो अभी नहीं आ रहे हैं वैसे, तो मैं डायनेमो डीबी में जाकर दिखा देता हूँ आपको, डायनेमो डीबी में अपडेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा।
ये एक्सप्लोर आइटम है, चलो दिखने जाते हैं। यहाँ पे मेरे नंबर का एक आ गया, यहाँ पे ये नंबर है और यहाँ पे ओटीपी आ गया। तो इस तरह मैंने मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 मिनट लगे और मैंने एक एपीआई क्रिएट कर लिया ओटीपी लैम्डा फंक्शंस का, ओटीपी का, जो कि ओटीपी आपको जनरेट करके आपके मोबाइल पे भेज देगा। तो ये फायदा है सर्वरलेस एपीआई का कि आपको बहुत ही कम काम करना पड़ रहा है, ना सर्वर सेटअप करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, ना कोडिंग का पूरा एनवायरनमेंट लिखना पड़ रहा है, बस थोड़ी सी कोडिंग की और आपने रोल सेटल किया और ये फिर ये आपको और उस एपीआई को एक्सपोज कर दिया। आप जो भी चाहे इस एपीआई को यूज करे, और इसको आप चाहो तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि किसके पास एपीआई की होगा, कि मैं दिखाया कि आप ओपन कर रहे हो आईएम रोल के थ्रू कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, तो उसके आप वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, जिसके पास एपीआई की हो सिर्फ वही इसको यूज कर सके एपीआई को, या फिर कोई भी इसको एपीआई को यूज कर सकता है, बस आप उसको वहाँ पे वैलिड बॉडी मिलना चाहिए तो वो उसको रन कर देगा। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है टीम, AWS एंड